हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक नया टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करने वाला हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग पे तो ऑलरेडी आपको बिफोर एंड आफ्टर वाला इमेज दोनों को तो दिखा ही चुका हूँ और उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह का पहली वाली फोटो था और एडिटिंग करने के बाद किस तरह का यहाँ पे फोटो आया है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे ले जाके आपको सारे कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिकली स्किन रिटचिंग भी सिखाऊंगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो चलिए मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो यही वाला फोटो मैंने लिया हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होगा, आप देखो फोटो मेरे को कुछ इस तरह का, मेरे को जो नॉर्मल फोटो शूट किया गया था वो सेम टू सेम इसी प्रकार से है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम है। तो सबसे पहला काम जो होगा, राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लो। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर तो आप लोग पता होगा कि ये जो बैकग्राउंड है ये मैं बैकअप के लिए रख देता हूँ और ये जो बैकग्राउंड कॉपी है इसके ऊपर ही काम करता हूँ बेसिकली। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस फोटो के ऊपर कलर ग्रेडिंग करना पहला काम होगा। तो मैं एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊंगा, यहाँ से चैनल मिक्सर लूंगा कलर ग्रेडिंग के लिए। देखो चैनल मिक्सर का जो आउटपुट चैनल है ना उसको आपको चूज करना पड़ेगा रेड पे, और इसका रेड का रेड को कर लो +50, ग्रीन को कर लो +100, यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, और यहाँ पे ब्लू को कर लो -100। सिंपली इतना अमाउंट डालने के बाद आप सिंपली कर दो ओके, तो आपको फोटो कुछ इस तरह से दिख जाएगा लेकिन स्किन के ऊपर खराबी आ जाएगा। तो उसको रिटर्न लेने के लिए ये जो मास्क है दिख रहा होगा, इस मास्क के ऊपर क्लिक करना है और देखो मास्क का कलर व्हाइट है, फोरग्राउंड कलर आप ब्लैक ले लीजिए और ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो फ्लो एंड ओपेसिटी दोनों है ना, दोनों को 100 ही रखिए तभी परफेक्ट आप कर पाओगे। अभी देखो ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटी किया मैंने और धीरे धीरे करके ब्रश किया स्किन के ऊपर, ओनली जहाँ पे आपका स्किन होगा उधर ही आप रिटर्न लेके आ जाना। ये ओवरऑल फोटो के ऊपर जो लेयर है ये अप्लाइड है, तो इसीलिए मैं फोरग्राउंड कलर जो अलग लेके मैं यहाँ पे ब्रश करके करके जो बिफोर वाला कलर था ना उसको मैं रिटर्न लेके आ रहा हूँ। ब्रश का साइजेस वगैरह वो अपने मुताबिक देख के आप ये सारे कुछ रिटर्न लेके आ जाना। यहाँ पे देखो हाथों वगैरह भी मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ से कलर्स वगैरह सारे कुछ इस तरह से रिटर्न लेके आ चुका हूँ। देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ हाथों का पार्ट्स है, तो इतना तक मैंने रिमूव कर लिया, इतना तक ही स्किन था। तो फोटो देखो कुछ इस तरह का मेरे को लग रही है। तो अभी जो काम होगा, अभी देखो इस फोटो के ऊपर ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ी सी कमी है, तो मैं ले लूँगा ब्राइटनेस जहाँ पे 10 ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को मैं 10 डालूंगा और सिंपली ओके करूँगा। अभी ब्राइटनेस कंट्रास्ट तो मैनेज हो चुकी है, लेकिन अगर फोटो के ऊपर आपका थोड़ी सी डस्टी टाइप का कलर होगा तो वो कलर भी रिमूव कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले स्किन का काम करूँगा। देखो स्किन थोड़ी सी रेडी सी लग रही है और यहाँ पे परफेक्ट कलर नहीं है, तो मैं एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक सिलेक्टिव कलर लूंगा जिसका कलर रहेगा रेड। सिंपली रेड का जो ब्लैक होगा फुल्ली -100 करके ओके कर दूंगा। तो स्किन से जितना सारा रेडिश टोन रहेगा वो रिमूव कर देगा। आपको सिंपली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करना है और अंडरलाइन लेयर का जो राइट साइड वाला ब्लैक वाला आइकन है इसको 130 के आसपास डाल देना है और सिंपली कर दो ओके। अभी ये मास्क है पूरा अप्लाइड है फोटो के ऊपर, सिंपली मैं इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट किया। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करके फोरग्राउंड कलर, देखो मेरे को ब्लैक से व्हाइट लेना है क्योंकि ब्लैक ये जो मास्क का कलर है, और अभी धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पे मेरा स्किन है इस फोटो के ऊपर तो उधर मैं इस तरह से ब्रश कर लेता हूँ। चलिए मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से ब्रश कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पूरा सारे कुछ स्टेप्स के बारे में समझाना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से रेडिश कलर रिमूव कर चुका हूँ, फोटो से स्किन थोड़ी सी गोरी लग रही है, देख सकते हो गोरा गोरा लग रही है। अभी आपको परफेक्ट गोरा लेने के लिए आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सॉलिड कलर वाली एक लेयर लेना पड़ेगा जिसका कलर होगा व्हाइट और सिंपली कर दो ओके। अभी इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लो सॉफ्ट लाइट, ये सॉफ्ट लाइट से पूरा स्किन जो है ना पूरा फोटो भी व्हाइट कर देगा, लेकिन आपको कुछ घबराना नहीं है। राइट क्लिक करो लेयर के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चली जाओ और ओल्ड दबाते हुए अंडरलाइन लेयर का राइट साइड वाला ब्लैक को पूरा 255 तक ड्रैग कर दो और सिंपली कर दो ओके। अभी ये वाला लेयर से देखो पूरा फोटो के ऊपर व्हाइटनेस अप्लाई हो गया है, लेकिन इसको मेरे को ओनली स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये मास्क के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लो मास्क को और देखो मास्क का कलर ब्लैक हो गया, तो मैं फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखूंगा और ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा। अभी धीरे धीरे करके जहां जहां पे आपका जितना तक आपका स्किन है आपको पूरा ही ब्रश करना पड़ेगा,
पूरा जब ब्रास कर लोगे उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोगों को परफेक्टली बता पाऊंगा। तो चलिए मैं भी यहाँ पे थोड़े से टाइम दे के देके ब्रास कर लेता हूँ, क्योंकि पूरा स्किन के ऊपर गोरापन लाना है और आप भी अपना स्किन के ऊपर इस तरह से ब्रास कर लो। तो ब्रश कर लेने के बाद देखो मेरे को कुछ इतना तक मेरे को रिजल्ट मिल रही है, देख सकते हो किस तरह का रिजल्ट मिल रही है। तो गोरा तो परफेक्टली यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन इस स्किन को थोड़ी सी ब्लर ऐड करना चाहता हूँ, तभी आपका स्मूथ लगेगा स्किन। तो इसीलिए मैं ग्रुप बनाऊंगा सबसे पहले, और ग्रुप के अंदर सारे लेयर को ऊपर से ड्रैग करता जाऊंगा पूरा जो बैकग्राउंड कॉपी तक। अभी देखो एडिटिंग जितना तक हो पाया है, ये था बिफोर वाला फोटो और आफ्टर वाला फोटो में कुछ इतना तक हो पाया है। अभी स्किन का रिटचिंग करने के लिए ये जो लेयर सेट मैंने बनाया, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट लेयर सेट बना लो सबसे पहले, कंट्रोल ई दबाते मार्च कर लो ये वाला लेयर सेट को। अभी फिल्टर पे जाके मैं ब्लार ऐड करने वाला हूँ, ब्लार पे एक ऑसम ब्लार मिल जाएगा जिसका अमाउंट आप 5 के आसपास डाल दो और सिंपली कर दो ओके। अभी ये पूरा फोटो के ऊपर ब्लार ऐड हो चुकी है, लेकिन इसको ओनली फोटो के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो एक मास्क लो, कंट्रोल आई दबाते इन्वर्ट करो, मास्क का कलर देखो ब्लैक है, फोरग्राउंड कलर आप रखो व्हाइट, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करो। इधर आप ब्रास का साइज थोड़ी सी छोटा करके ही आपको ब्रास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रास अगर बड़ा करके करोगे तो फोटो के इधर उधर ब्रास हो सकती है। तो आप जितना हो सके परफेक्टली यहाँ से ब्रास कर लो सबसे पहले। तो चलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी धीरे धीरे करके ब्रास करता हूँ, और जहाँ जहाँ पे आपको नीडेड होगा कि थोड़ी सी ब्रास का ओपेसिटी को घटा के ब्रास करना हो तो वो भी आप देख के एक बार कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्रास का ओपेसिटी होगा तो परफेक्ट आउटपुट आपको नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको ओपेसिटी को नियर अबाउट 30 के आसपास डाल के एक बार ब्रास करो, जिधर आपका ब्रास तो ब्रास का जो ओपेसिटी है घटा के थोड़ी सी ब्रास करना हो। अभी देखो मैं धीरे धीरे करके कुछ इस जगह वगैरह पे जहाँ जहाँ पे मेरे को ब्रास का जो ओपेसिटी घटा के मेरे को ब्रास करना था वो मैं लिटिल बिट धीरे धीरे करके टाइम देके देके यहाँ से ब्रास कर रहा हूँ, देख सकते हो। अभी बाकी का जगह पे जहाँ पे मेरे को चाहिए नहीं वहाँ पे ओपेसिटी को आप फुल कर सकते हो, कोई बात नहीं, उधर आप फुल आसानी से कर सकते हो। अभी ब्रास का साइज थोड़ी सी छोटा करके जो जो जगह पे चाहिए मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। अभी आपका भी परफेक्टली स्किन के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना, तभी बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी देखो मैंने ब्लार्स वगैरह ऐड कर चुका हूँ, अभी स्मूथ भी लग रही है फोटो, देखो थोड़ी सी स्किन स्मूथ तो लग रही है। अभी इतना होने के बाद अभी करना क्या होगा, अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर मैं थोड़ी सी ये जो डस्टी टाइप का कलर्स वगैरह रिमूव करना चाहता हूँ, तो एडजस्ट आइकन पे जाके ले लूंगा सिलेक्टिव कलर, जिसका रेड से कर लूंगा ब्लैक पैनल को चूज, ब्लैक कलर को, और इसका ब्लैक का जो ब्लैक होगा वो कर लूंगा 5 के आसपास इंक्रीज, देखो 5 के आसपास इंक्रीज किया, और यहाँ से नेचुरल पे जाके इसका भी ब्लैक को 5 के आसपास इंक्रीज करके ओके कर दिया। और इतना तक करने के बाद देखो एक डस्टी टाइप के कलर्स यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से ऐड करने वाला हूँ कलर बैलेंस वाली लेयर, जो कि परफेक्ट लुक यहाँ पे देने वाली है फोटो एंड बैकग्राउंड के साथ साथ। हाइलाइट्स पे जाके मैं सबसे पहले 15 कर्व्स टू 20 के आसपास कर लूँगा, मैं 20 डाल रहा हूँ येलो को, यो ब्लू के साइड पे, मैजेंटा को -10 के आसपास डाल रहा हूँ, और यहाँ से क्यान को भी -10 के आसपास डाल रहा हूँ, और सिंपली ओके करता हूँ। अभी ओवरऑल फोटो देखो बढ़िया यहाँ पे लग रही है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ काम है, वो क्या है, इस फोटो के ऊपर एक मैं भेगनेट मोड यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ से ग्रेडियंट पे, और ग्रेडियंट का जो लीनियर स्टाइल वाला लीनियर को कर लूँगा रेडियल, रिवर्स पे क्लिक करूँगा और इसका एंगल को 60 डिग्री डाल दूंगा, और डालने के बाद सिंपली ओके करूंगा। अभी इसका जो मास्क है, ये मास्क देखो दिख रहा होगा, आप ये मास्क के ऊपर क्लिक करो, पहले एक काम कर सकते हो राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज लेयर कर सकते हो, उसके बाद मास्क के ऊपर क्लिक करो, फोरग्राउंड कलर रखो ब्लैक, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम कुछ इतना तक आप पहले ब्रश कर लेना। देखो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ब्रश का साइज कुछ इतना तक बड़ा हो गया मेरा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ नियर अबाउट इतना तक, और यहाँ पे देखो एक सेकंड मेरा अलग से ब्रास एक चूज़ हो गया है। तो सिंपली मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो ब्लार वाला ब्रास है ना ये वाला को चूज़ किया, और इसका साइज कुछ इतना तक बड़ा किया, चलिए मैं बड़ा करता हूँ कुछ इतना तक। और अभी धीरे धीरे करके आप, मैं जिस तरह से यहाँ से ब्रश करके करके कलर्स वगैरह हटा रहा हूँ, आप एक बार हटा लेना, और हटाने के बाद ओपेसिटी को थोड़ी सी घटा देना नियर अबाउट 80 के आसपास, और 80 के आसपास घटा देने के बाद अभी देखो एक भिग्नेट मोड यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो जब आपका इस तरह से अप्लाइड हो जाएगा, आप इसके ऊपर एक अगेन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर ले सकते हो, जिसका ब्राइटनेस होगा 10 एंड कॉन्ट्रास्ट होगा 10। अगर 10 कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो रही है तो 5 डालो कॉन्ट्रास्ट के ऊपर, और अभी फोटो देखो कितना चेंजेस आया है। चलिए सारे को ग्रुप के अंदर डालता हूँ, बाकी वाला लेयर सेट को बड़ा किया और सारे को सबसे ऊपर वाला लेयर पे इस तरह से ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ, तभी ये परफेक्टली ऐड हो जाएगा ग्रुप के अंदर। अभी देखो पहली वाली जो बिफोर वाला फोटो था कुछ इस प्रकार से था, और एडिटिंग करने के बाद मेरे को कुछ इतना तक रिजल्ट मिल चुका है। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा, और आज का जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए को ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।